सरकारी आजकल एक चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर सरकार बड़ी अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन पर्यावरणविद जो कह रहे हैं कि तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं, जो प्लानिंग होनी थी वो प्लानिंग नहीं हो रही, उसका नतीजा आपदाओं के रूप में नजर आ रहा है। देखिए उत्तराखंड में वैसे भी जो है 80% के लगभग जो है फॉरेस्ट है, पर्यावरण है। एनजीटी ने बहुत सारे लोगों को जो है पनिश भी किया है, बहुत सारे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं, परंतु मैं ये कहता हूं जब तक हमारी पर्यावरण पे कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनती, हाईकोर्ट ने भी इस बात में डायरेक्शन किया है, हाईकोर्ट ने भी इस बात में डायरेक्शन किया है कि अगर आपको गंगा में अगर राफ्टिंग करनी है तो वहां जो पॉल्यूशन हो रहा है पहले उसमें उत्तराखंड सरकार पहले अपनी नीति तो बनाए। पर हम तो अपनी कोई नीति ही नहीं बनाते, हमारा काम तो केवल ये रह गया है कि चलो साहब कोर्ट चलाएगा, एक सरकार कोर्ट से चल रही है, सरकार कोई भी निर्णय करती तो कोर्ट उसमें जो है इनिशिएटिव लेता है। आपकी सरकार ने कोई नीति बनाई थी? इसका मतलब आपकी सरकार ने कोई नीति बनाई थी? नहीं, हमारी सरकार ने नीति बनाए तब तो हमारा राफ्टिंग को इतना विकास मिल रहा है, लोग वीकेंड पर दिल्ली से हरियाणा से पंजाब से सारे लोग ऋषिकेश के अंदर हजारों की संख्या में। वो आपकी सरकार की देन है, हमारी सरकार का किया हुआ है ये, बताइए आज इनकी सरकार की नीति आज हो रहा है अभी आपको बता देता हूँ, कांग्रेस की देन है। हमारे प्रदेश का केवल उस पर ऐश करने का काम, सबसे बड़ा घोटाला बड़े बड़े बोर्ड बनाकर करके हाँ इसके हीरो। अगर इतनी अच्छी देन होती तो इतनी अच्छी हार नहीं मिलती आप लोगों को, अगर इतना ही काम किया होता आप लोगों ने। अभी इनकी सरकार की नीति एनएच घोटाला आपके सामने है, जिसमें बहुत सारे पीसीएस छोटे अधिकारी सब जेल चले गए। क्या वो जेल इसलिए गए? अरे मंत्री संतरी का हाथ नहीं है? आप लोग अपनी गिरबान में झांकिए कि आपने एनएच में कर दिया, उसकी वजह से प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है। वो अधिकारी काम करते हुए डरने लगे आपके प्रेशर में, आपने किस प्रेशर में उनसे काम कराया कि वो अधिकारी डरने लगे काम करने के लिए? आप बात कर रहे हैं सरकार चलाने की? अरे वाह भाई, क्या बात कर रहे हैं विधायक जी? आपने वो इतना बड़ा तुमने जांच कितने में खरीदा है? पहले इनका इधर घोटाला इनका जवाब तो दो। ये NH74 की बात कह रही हैं, आपने कह भी दिया है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जितने अंजाम हुई तो वो किस गवर्नमेंट में हुई हम सबको, हम लोग विदित हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट बनी तो निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट का पहला संकल्प था जीरो टॉलरेंस, और वही आज से पहले इतिहास के पन्ने हम यदि उत्तराखंड बने हुए खंगाल लेते हैं तो हमने इतनी बड़ी कार्रवाई कभी किसी भी सरकारों में नहीं देखी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस प्रचंड बहुमत की सरकार में 2 IAS से लेकर 20 PCS ऑफिसरों पर जो है कार्रवाई, 20 लगभग जेल में बंद है और 2 पे कार्रवाई होने की, उन पे अभी जांच चलने की पूरी उसमें सहमति बन गई।